सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डीजीपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो यूट्यूबर्स है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा माइक यूज़ करते हैं, तो मैं इस वीडियो में इसी माइक के बारे में बात कर रहा हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर, सस्ता, टिकाऊ माइक है जो मैं करीबन पिछले 2 महीनों से यूज़ करता हूँ। तो चलिए टाइम की बर्बादी ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव, आप देख रहे हैं टेक्निकल डीजीपी चैनल को। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। तो ये है दोस्तों बोया का लेवेरियल माइक्रोफोन, जिसका मॉडल नंबर है BYM1। अगर ब्रांडिंग की बात किया जाए तो बोया ने काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग की रखी है और साथ में दिया गया है माइक्रोफोन का फोटो। अगर साइड में देखा जाए तो लिखा है फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डर DSLR, यानी इस माइक्रोफोन को आप किसी के भी साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और पीछे दिए गए हैं ढेर सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर में हम देख सकते हैं कि उसके साथ दिया गया है एक वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, जिसमें होता है ढेर सारा ज्ञान जो कि हमें फ़िलहाल बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है, और साथ में लेदर पाउच जिसमें है आप लोगों का माइक्रोफोन। दोस्तों, लेदर पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और उसमें रखा है माइक्रोफोन, जो कि माइक्रोफोन के साथ काफ़ी लंबी वायर है। मेरे ख्याल से ये 3-4 मीटर लंबी होगी। और ये है माइक्रोफोन और उसके साथ में एक सिलेंडर दिया गया हुआ है। वो सिलेंडर के अंदर आप बैटरी डाल सकते हो और साथ में दी गई है एक स्विच, उसके ऊपर लिखा है कैमरा और स्मार्टफोन, यानी आप जब आप कैमरे के साथ कनेक्ट करो तो आपको उस स्विच को ऊपर करना है, और स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करो तो आपको उसे नीचे करना है। और साथ में दिया गया हुआ है 3.5 mm का जैक, साथ में दी गई है एक लेपल क्लिप, LR44 बैटरी, विंडशील्ड कवर और 1x4 ऑडियो जैक। तो चलिए अब हम इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं। और इस सिलेंडर को हम पहले ओपन करते हैं। सिलेंडर को ओपन करते ही हमें ये रिबन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी बैटरी ख़त्म हो जाएगी तब आप बैटरी को चेंज करने के लिए आपको ये रिबन को खींचना पड़ेगा, यानी रिबन को उसके पीछे रखना है। और इसके अंदर बैटरी डालने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। और ये जो क्लिप है वो हम क्लिप यहाँ पे लगा देंगे, और ये जो विंडशील्ड है उसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका माइक तैयार। अब आप देख सकते हो कि इस माइक को मैंने अपने कॉलर के साथ जोड़ लिया है। तो अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो का जो बॉक्स ओपनिंग पार्ट है वो पार्ट मैंने बिना माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया है, तो आप उसके साथ उसका कंपेयर कर सकते हो। ये माइक्रोफोन से आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम सुनाई देगी, और मैंने पिछले जो 4-5 वीडियो है मैंने इसी माइक्रोफोन से मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और ये माइक्रोफोन मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैंने इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।